हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? आ रही बच्चा आवाज? ओके, चेंज चेंज क्या चेंज चेंज रे क्या चाहिए चेंज चेंज? नाइस टी शर्ट, थैंक यू। बारिश है क्या? नहीं, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, एकदम सब सूखा सूखा है। नो बारिश एट ऑल। एसएम आर्ट, एसएम आर्ट क्या होता है भाई? सर रिजल्ट कब आएगा? मैं बढ़िया बेटा एकदम। एक कटिंग हो जाए, एक कटिंग मतलब एक चाय हो जाए। पटना कब आएंगे? आएंगे आएंगे जरूर आएंगे सर। ओपी से टी सेट, ओके थैंक यू। गर्मी बहुत ज्यादा है सर कोटा में, वो तो है यार, गर्मी तो यहाँ कोटा में राजस्थान है तो गर्मी हो गई होगी। चल बच्चा पढ़ाई शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें बच्चों। तो देख, हम लोग पिछले क्लास में मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे बच्चा, मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वहां से आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलो मोमेंटम कंजर्वेशन के और क्वेश्चन किए जाएं। देखो बच्चा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये है बेटा, एक मान ले प्लैंक, ये मान ले बेटा एक प्लैंक, प्लैंक हमारा एक फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे है, है ना बेटा। एक ग्राउंड कैसा है? फ्रिक्शनलेस, स्मूथ सरफेस, है ना बेटा। ये स्मूथ सरफेस है ना, प्लैंक का जो मास है बेटा, प्लैंक का मास है 60 किलोग्राम, और इस पे एक बच्चा खड़ा है, बच्चे का मास है बेटा 40 किलोग्राम, ठीक है। तो सवाल ये है बेटा कि सिस्टम अभी हमारा रेस्ट में है, सिस्टम अभी हमारा रेस्ट में है बच्चा, कोई मूव नहीं कर रहा है ना। अब सवाल कहता है, इफ द बॉय, देखो सवाल यह है कि सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है बच्चा। नाउ द बॉय, नाउ द बॉय स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट मूविंग विथ ए वेलासिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना शुरू किया, ठीक है बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लैंक के रेस्पेक्ट में। तो सवाल कहता है बेटा, फाइंड स्पीड ऑफ प्लैंक इवेंचुअली, है ना बेटा। तो बताओ प्लैंक का स्पीड क्या होगा? चलो बनाओ, बना बच्चा।
मुकेश का आंसर आया, और कोई आकाश का भी आया आंसर। एट विच पॉइंट द स्पीड ऑफ प्लैंक, किसी भी पॉइंट पे निकाल ले बच्चा, पूरे प्लैंक की स्पीड एक ही ना है बच्चा। निकालो निकालो, सिरसत का आया, मनीष का आया, शुभम का आया, आलोक शुक्ला का आया, हर्षित उसका भी आ गया आंसर, नयन, एके विष्णुई, शशांक, महेश, रौनक, हर्षित, उत्कर्ष, सलोनी, अमन, भाविक, विराज, उत्कर्ष, अभय क्या पूछ रहे हो बच्चा, अरमान सिंह का भी आ गया, आदर्श का आ गया, मयंक का आ गया, जयेश, सबका आंसर आया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। लेकिन आंसर जो है बेटा वैरायटी ऑफ आंसर्स हैं। शिवम बोलो, शिवम हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर ये लॉग कंजर्वेशन ऑफ लिथियम नहीं आ रहा है, आवाज बहुत ही कम आ रही है बेटा। हेलो। हाँ बोलो बोलो। अरे लीनियर मोमेंटम का जो लॉ पढ़ाया था आपने सर, ये समझ में नहीं आया मुझे। समझना क्या उसमें है बेटा, सिंपल सी बात, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो सिस्टम का पूरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बस यही तो लगाना है बेटा, सिंपल सा लॉ है ना, इसी को इस्तेमाल करो, जो पहले मोमेंटम रहेगा वही बाद में मोमेंटम होगा। चिन्मय बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलो सर। ये मेरे को एक कंफ्यूजन रहता है सर्कुलर मोशन में कि सर कभी बी स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर आर कब लगाना है, मतलब फर्क कैसे पता करना है? जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार, क्वेश्चन में ओमेगा दिया है बेटा तो ओमेगा लगाओगे, वी दिया है तो वी लगाओगे। और सर अगर दोनों दिए तो कोई भी लगा के आंसर आ जाएगा? हाँ आंसर सेम ही होगा बेटा, बी स्क्वायर बाई आर लाओ लगाओ या ओमेगा स्क्वायर आर लगाओ, आंसर तो उससे भी सेम ही आएगा, बस सही से पुट करना तुमको है। ओके सर। और एक छोटा सा ये और डाउट था कि सर जैसे ओमेगा अगर वेरिएबल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो वेरिएबल हो जाएगा फिर? हाँ बिल्कुल होगा, एकदम बिल्कुल होगा वेरिएबल। तो सर फिर अगर फिर बॉडी का पाथ सर्कुलर नहीं होगा ना, ऐसा क्यों जोड़ी बोलते हो तुम? सर्कुलर पाथ है कि नहीं तो रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस अगर कांस्टेंट है तो पाथ सर्कुलर होगा, रेडियस वेरी कर रहा है तो पाथ सर्कुलर नहीं होगा। अच्छा सर, मतलब तो मैग्नीट्यूड का फर्क क्या फर्क पड़ता है कि सर, मैग्नीट्यूड के कम ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है? भाई अगर सर्कुलर पार्टिकल घूम रहा है और अगर स्पीड ज्यादा हो गई सर्कुलर पाथ घूमते हुए, इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि उसी सर्किल में घूमने के लिए ज्यादा स्पीड से घूमने के लिए अब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अच्छा अच्छा ओके सर, यस सर, थैंक यू सर, वेलकम। देखो बच्चा मैं करता हूं, देखो बच्चा सवाल क्या था कि ये प्लैंक है ना बेटा, प्लैंक पे ये आदमी, प्लैंक अभी दोनों रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो है ना बेटा। अब आदमी दौड़ना शुरू कर दिया, तो देख बेटा अगर ये प्लैंक है तो मैंने मान लिया कि आदमी के दौड़ने से प्लैंक में वेलोसिटी भी आ गई, आदमी के दौड़ने से बेटा प्लैंक की वेलोसिटी भी हो गई है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में कहा है 10 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक है ना बेटा। तो देखो अगर मैं कहूं बेटा कि आदमी जो है, अगर ये आदमी इधर दौड़ रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी इस प्लैंक के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड है बेटा, इसका मतलब आदमी का वेलोसिटी प्लैंक वाली वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा है बेटा है ना। इसका मतलब अगर v है तो ये कितना हो गया, v प्लस 10 है ना, रिलेटिव का ये मतलब हुआ ना बेटा, प्लैंक के मुकाबले में 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा है ना बेटा। अब देखो इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम पे अगर तुम्हें पूछा जाए कि एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या बोलोगे, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है बेटा, तो कहोगे नॉर्मल फोरग्राउंड। बोलो बच्चा एक्सटर्नल फोर्स में नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड होगा बेटा, तो ग्राउंड से नॉर्मल कैसे आएगा, ऊपर की ओर है ना बेटा। इस सिस्टम पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा बच्चा है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आएगा बेटा, डाउनवर्ड है ना। तो क्या दिख रहा है बेटा हम लोग को कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ
वर्टिकल डायरेक्शन में है बेटा, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा, है ना। तो क्या दिखा हम लोग को बेटा, हमें दिखा नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना बेटा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा, तो क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल इन हॉरिजॉन्टल, बोलो बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा, है ना बेटा। तो क्या लिख दोगे बताओ, पहले कितना मोमेंटम, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, तो जीरो प्लस जीरो, है ना बेटा, बराबर पी फाइनल। तो मैन का कितना मास बेटा, 40 किलोग्राम, इक्वल टू 40 किलोग्राम का कितना मोमेंटम, वी प्लस 10, है ना बेटा। और प्लैंक है बेटा 60 किलोग्राम का, तो 60 वाले का कितना मोमेंटम, 60 इंटू वी, ठीक है बच्चा। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा वी इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड्स, ठीक है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड किधर की ओर, पीछे की तरफ, ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। सेम आंसर आया सर, गुड, बिल्कुल सही, नोट कर ले बच्चा। ऋतुराज सर, ये इवेंचुअली मतलब क्या होता है, इवेंचुअली मतलब इस इवेंट के रिजल्ट के तौर पे, है ना। यस ठीक है, थैंक यू, ओके बच्चा। अच्छा बोलो बेटा, इस सिस्टम में, पहले सिस्टम में कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, बोलो बोलो बेटा, सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, बोलो बोलो, जीरो थी। बाद में काइनेटिक एनर्जी जीरो है कि नहीं है, बाद में काइनेटिक एनर्जी जीरो है या नहीं, नहीं है ना बच्चा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी आगे ने बच्चा, तो जीरो नहीं है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बदली या नहीं बदली, बोलो बोलो, काइनेटिक एनर्जी बदली या नहीं बदली, बदली है बेटा, काइनेटिक एनर्जी बदल गई। इसका मतलब वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चा, वर्क डन हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना बेटा। तो वर्क डन कौन किया, इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, बोलो बच्चा, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल, बिल्कुल सही बात। तो क्यों पूछे बताओ, इस सिस्टम में इंटरनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो क्या कहोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले की काइनेटिक एनर्जी में से इसको माइनस कर लोगे, आ जाएगा आंसर, है ना बच्चा। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल में बेटा, ये हमारा मान लो, ये मान लिया जाए बेटा, ये मान लो बेटा एक कैनन, ये मान लो बेटा कैनन है, ठीक है, ये क्या है, कैनन, ये स्मूथ सरफेस है बेटा, ये स्मूथ सरफेस है, और ये है बेटा कैनन, तोप है एक, है ना, और इस तोप के अंदर बहुत सारे गोले हैं बेटा, है ना। तो कहता है बेटा मास ऑफ कैनन along with cells, cells का मिला करके, है ना बेटा, कितना मास है, is 50 m, where m equal to mass of one cell, है ना बेटा। cell क्या है, तोप का गोला, cell है बेटा तोप का गोला, ठीक है बच्चा। तो कहता है तोप के गोले का मास बेटा m, और अगर तोप के गोले का मास m है बेटा, और अगर तोप के गोले का मास m है ना, तो पूरे का मास बेटा कितना है, 50 m, ठीक है बच्चा। तो सवाल कहता है क्या, देखो सवाल कहता है, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, शुरुआत में क्या है बेटा, सिस्टम रेस्ट में है। कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कैनन, कैनन की वेलोसिटी बताओ,
ठीक है, आफ्टर टू, आफ्टर टू शॉट्स फायर्ड वन आफ्टर द अदर, है ना बेटा, एक बार में ही दोनों गोली फायर नहीं करेगा बेटा, एक एक करके फायर किया, ठीक है बच्चा, है ना। गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है देखो, गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ वेस्ट वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रेस्पेक्ट टू कैनन, कैनन के रेस्पेक्ट में जो बुलेट की वेलोसिटी है बेटा, सेल की वेलोसिटी है वो क्या है, वी नॉट, है ना। इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी वेलोसिटी को बोलते हैं मुजल वेलोसिटी, समझा। मुजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सेल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू गैनन, बुलेट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू गन। चलो करो लिख रहा है टोटो जैसे डायग्राम बन गया हाँ, प्लैंक की वेलोसिटी लेफ्ट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ऋतुराज बोलो सर, हो गया, वही पूछना था वो बोला। ओके सिड, वेक अप सिड। सर मैं ये बोल रहा था, अगर एक कार फ्रिक्शन लेस रोड में चल रही है तो जो कार आप मतलब ब्रेक मारेगी तो उसके इंटरनल फोर्स में काउंट करेंगे ना। हाँ बच्चा बिल्कुल, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे कार चलेगी, है ना बेटा, तो कार कभी रुक ही नहीं पाएगी। ओके सर। बनाओ बेटा बनाओ, हर्ष बोलो। सर इसके पहले जो क्वेश्चन करवाए थे वो फर्स्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। हाँ बच्चा पहला सवाल था वो। और सर ये रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, बताएंगे, इंतजार करो, किस चैप्टर में आता है? इसी चैप्टर में आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हर्ष। यस सर। बोलो क्या पूछना है सर? हो गया ना सर, नो प्रॉब्लम सर, हो गया। यस सर, ओके, थैंक यू, वेलकम बेटा। राहुल। मानस गलत है बेटा आंसर। हेलो सर। बोलो बेटा। हाँ बोलो सर, आपने सेमी रिंग का वो निकाला था सेंटर ऑफ मास और सेमी डिस्क का, तो सर उनका डेरिवेशन याद रखना है या फिर वो रखे रिजल्ट याद? रिजल्ट याद रखो फिर, लेकिन डेरिवेशन भी एक बार देख लो कैसे कैसे होता है, याद है कि नहीं करना डेरिवेशन को। और सर जो आपने दिखाया था सेमी डिस्क होलो हेमिस्फीयर होलो कोन, हां सबको याद करना है, सब याद करना है। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम बेटा। अर्नो। बोलो बेटा। सौरभ। हेलो सर, सर आपने वो मास रिमूवल और मास एडिशन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें, हाँ सर अगर उसमें सर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन फंसता है कि एक मान लीजिए कोई डिस्क है और उसमें से सर्कुलर डिस्क में से उसके रेडियस के हाफ रेडियस का मास निकाला गया और फिर उसके बाद उसको जोड़ दिया गया दूसरी जगह, मतलब उसी डिस्क पे दूसरी जगह पे जोड़ दिया गया। हाँ, तो दो बार काम करना है इसमें, एक बार ऐड करने वाला, एक बार रिमूव करने वाला और फिर एक बार ऐड करने वाला। वो सर जो बुक थी उसमें सर एक ही बार में उसने सॉल्यूशन कर दिया, तो एक ही इक्वेशन से दोनों एक बार भी कर सकते हैं बेटा। जैसे मान लो जैसे मैं तो दो बार करने बोल रहा हूँ, है ना बेटा, तुम उसको एक ही बार में कर सकते हो। ऐसे सोचो कि x माइनस वाई प्लस जेड, पहले x था y निकाला और z जोड़ दिया, x माइनस वाई प्लस जेड तो क्या होगा, m1 x1 माइनस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 प्लस m3, समझ गए? लेकिन yes. दो बार करोगे ज्यादा सीखोगे उससे,
लर्निंग अच्छी होगी दो बार करने में। चल देखो बच्चा मैं करता हूं, देखो बच्चा इस सवाल में सॉल्यूशन देखो, आंसर मैच करना बेटा। सवाल क्या है देख बेटा, सवाल क्या है कि पहले हमारा ये जो 50 m था बेटा, ये 50 m हमारा रेस्ट में है ना बच्चा, ठीक है। अब इसने क्या हुआ, पहली बार फायर किया गया, तो देख बेटा जब पहली बार फायर किया गया तो पहली बार फायर करते ही m मास बाहर निकल गया है ना बेटा, और जो बाकी मास बचा हमारा ये बचा 49 m है ना बेटा। हम तो एक कंफर्म जानते हैं बेटा कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ है ना, हम एक कंफर्म जानते हैं। तो शायद तुम में से कुछ बच्चों को ऐसा मानने का मन करता होगा बेटा कि ये आगे जाएगा तो एक पीछे मिलेगा रिकॉइल, एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम है ना बेटा। लेकिन अगर तुम पीछे लोगे तो तुमको प्लस माइनस साइन डिसाइड करना पड़ेगा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है ना बच्चा, ठीक है। लेकिन अगर तुम सेम डायरेक्शन में मान लेते हो बच्चा है ना, तो फायदा होगा कि प्लस माइनस सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, जो भी आंसर होगा वो अपने आप डायरेक्शन के साथ आएगा, समझ गया बेटा। तो इसलिए हम जानते हैं कि जाएगा पीछे ही है, फिर भी हम सेम डायरेक्शन मानेंगे, सेम डायरेक्शन मानेंगे तो प्लस माइनस साइन से हम बच जाएंगे, ठीक है बच्चा, है ना। और ये कौन सा शॉट था बेटा, ये पहला शॉट फायर्ड है ना, पहली बार फायर किया गया फर्स्ट शॉट है ना बेटा। तो अब बताओ मुझे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है बच्चा, एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स है, किधर है, ऊपर नीचे वर्टिकल में है बेटा। एक्सटर्नल फोर्स हमारा किधर है बेटा, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में नहीं है ना। तो लिख देंगे नो एक्सटर्नल फोर्स है ना बेटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा है ना। तो हम क्या कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक बच्चा। देखो तो पहले कितना मोमेंटम था, तो पहले पूरा सिस्टम था बेटा रेस्ट में, बाद में क्या हो गया देखो, तो ये हो गया 49 m की वेलोसिटी v1 और प्लस, देखो बेटा इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी कितनी वेलोसिटी, तो कहोगे इसके मुकाबले में v0 ज्यादा, v0 क्या था पढ़ो, वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रेस्पेक्ट टू कैनन, कैनन के रेस्पेक्ट में बेटा v0 है ना, इसका मतलब कैनन के मुकाबले में v0 वेलोसिटी ज्यादा, कैनन के मुकाबले में v0 वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये m इंटू v0 प्लस v1, ठीक है बच्चा। तो इससे मेरा कितना आ गया, v1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 50 इंटू v0 है ना बेटा, v1 निकल गया। ये पहली शॉट है बेटा, ये पहला शॉट फायर हुआ है ना। अब चलो दूसरे शॉट की बात करें, अब देखो बच्चा सेकेंड शॉट फायर्ड, अब लिखते हैं हम सेकेंड शॉट फायर्ड है ना बेटा। तो कहानी क्या है, अभी कितनी मास है बेटा, 49 m, इसकी मैंने क्या मानी थी वेलोसिटी v1, 49 m अभी जा रहा है कितने से बेटा, v1 से। अब क्या होगा इसमें से, फिर एक बुलेट फायर हो गया, अब क्या बचेगा बेटा हमारा, अब बचेगा 48 m है ना बेटा। इसकी मैंने मान ली वेलोसिटी v2, तो इसकी क्या मानोगे, तो कहोगे कैनन के मुकाबले में भी ज्यादा है ना बेटा, कैनन के मुकाबले v0 ज्यादा, इसका मतलब बेटा v2 प्लस v0 है ना। फिर से मोमेंटम कंजर, तो देख बेटा पहले कितना मोमेंटम, तो कहेंगे पहले का मोमेंटम 49 m इंटू v1, बाद में कितना बेटा, तो 48 m इंटू v2 प्लस इसकी वेलोसिटी m ऑफ v2 प्लस v0 है ना बेटा। अब इस रिजल्ट को यहां पुट कर लो, इस रिजल्ट को यहां पुट कर लो, कितना हो जाएगा बेटा, यहां ये हो जाएगा माइनस 49/50 इंटू v0 इज इक्वल टू, देखो बच्चा 48 और प्लस m, ये हो गया 49 m इंटू v2 प्लस m इंटू v0, ठीक है बच्चा, प्लस m इंटू v0, इसको इधर ले आओ, तो क्या हुआ 49 m
v2 equal to minus m v0 minus 49 by 50 into m into v0, है ना बच्चा? ठीक है, सो v2 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस बाहर निकाल लो, v0 बाहर निकाल लो, तो हो गया 1 by 50 plus 1 by 49, ठीक है बच्चा? ये हमारा आ गया आंसर, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा? हाँ बेटा, बुलेट की वेलोसिटी कैन के रेस्पेक्ट में सेम ही रहेगी हमेशा, समझा? बिल्कुल सही बात, सिद्धार्थ बोलो। जेई मेन का रिजल्ट आ गया क्या? मुझे नहीं पता बच्चा। सर ये क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन पूछना था सर, बुलेट वाला ही सर, ये पूछना था सर, सेम रहेगी क्या वेलोसिटी? यस सर। हाँ ठीक, ओके। ऋतुराज, नहीं पूछना, हीरो बोलो भाई, हीरो बोलो, आवाज नहीं आ रही बच्चा, बी वन प्लस बी नॉट कैसे? सर मेरा इंटरनेट चला गया था। अरे बेटा क्वेश्चन में था कि कैनन के रेस्पेक्ट में बी नॉट वेलोसिटी ज्यादा, कैनन के रेस्पेक्ट में बी नॉट वेलोसिटी ज्यादा है बच्चा, तो बी वन प्लस बी नॉट हो जाएगा, ठीक है? अब चलो आगे देखा जाए, अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल ये है बेटा, अगला हमारा सवाल ये है कि देखो बेटा, अगला सवाल क्वेश्चन कहता है बेटा, फिर से मान लो एक प्लैंक, ये एक मान लिया बेटा प्लैंक, है ना, और ये प्लैंक जो हमारा है वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है बच्चा, ये प्लैंक हमारा स्मूथ सरफेस पे है, इसका मास m इक्वल टू 4m, ठीक है बच्चा? एक आदमी यहां खड़ा है स्मॉल m, एक आदमी यहां खड़ा है ये भी स्मॉल m, दोनों आदमी इसके दोनों किनारे पे खड़े हैं बेटा, है ना, दो आदमी है बेटा इसके दोनों किनारे पे खड़े हैं, ठीक है? अब कहता है सवाल क्या, सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली, है ना बेटा, सिस्टम हमारा पहले कैसा है, रेस्ट में है, ठीक है? सवाल कहता है इफ दीज मेन, ये दोनों आदमी है बेटा, ठीक है, ये यहां से कूद गया, जंप ऑफ, है ना बेटा, दोनों कूद गया विथ ए वेलोसिटी, विथ ए वेलोसिटी वी नॉट विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, है ना बेटा, प्लैंक के रेस्पेक्ट में वी नॉट वेलोसिटी से कूद गया, ठीक है बच्चा? तो सवाल कहता है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, है ना बेटा, दोनों की कूदने के बाद प्लैंक की वेलोसिटी बताने हैं, इफ फर्स्ट पार्ट दे जंप ऑफ साइमल्टेनियसली, है ना बेटा, दोनों जंप किए एक साथ, दोनों जंप कर गए बेटा एक साथ, दोनों एक साथ कूद गए, ठीक है बच्चा? अब बी कहता है बेटा दे जंप ऑफ वन बाई वन, है ना बच्चा? चलो बनाओ बच्चा, दोनों एक एक करके कूदते हैं बेटा, हेलो। हाँ बोलो सर, मुझे पूछना था ये कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, इसमें तो सेंटर ऑफ मास का कोई यूज नहीं है, फिर इसको इस चैप्टर में क्यों पढ़ा? ऐसे मत सोच, सेंटर ऑफ मास एक बड़ा चैप्टर है, सब कुछ आएगा इसमें, या फिर इस कंडीशन ड्राइव कैसे किया था हम लोगों ने,
ड्राइव ऐसे नहीं किया था बेटा कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम नहीं बदलेगा, yes. है ना? आगे बढ़ो तेजस्वी, सही है तुम्हारा फर्स्ट का आंसर, आगे बढ़ो। अथर्व, हाँ सर, इसमें सर वो गोली का गोली वाला सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सही है कैनन वाला क्वेश्चन, इसमें क्या समझ में नहीं आया डबल ऑफ सर? पहला स्टेप है सर, जब नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आप जो इक्वेट किए उसके बाद सेकंड वाला में। हाँ बेटा, मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगी ना बच्चा? हाँ सर होगी, है ना? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ना हो उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बेटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं था बच्चा, इसलिए हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना लीनियर मोमेंटम पहले होगा उतना ही लीनियर मोमेंटम बाद में भी होगा हमेशा। बोल बच्चा, है ना? तो पहले मैंने कैसे किया कि मान लो प्लैंक का मास, सिस्टम का मास था बेटा 50 m, उसमें से एक सेल फायर हो गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई, कैनन की वेलोसिटी हो गई v1, है ना? तो बुलेट की वेलोसिटी v1 प्लस v0, अब समझे? v1 प्लस v0 बुलेट की सर्विस रिस्पेक्ट कहने का मतलब इसलिए, हाँ विद रिस्पेक्ट लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में। शिवम, हेलो, हाँ बोलो बेटा। सर ये कह रहे सर मेरे तो एक भी सवाल नहीं बन रहा है सर आज के, फिर से बोलो सर, एक भी सवाल नहीं बन रहा है आज के, बन नहीं रहे गलत हो रहे हैं सर, बन ही नहीं रहे, बन ही नहीं रहे तो गलत बात है बेटा, तो गलत हो जाए चलेगा लेकिन बन नहीं रहे गलत है सर, जैसे क्या करें? अभी दो क्वेश्चन मैंने बनाया ना बेटा, इन दो क्वेश्चन से कुछ सीखे क्या हम लोग? इस दो क्वेश्चन से कुछ हम लोग सीखे या नहीं सीखे बच्चे बताओ? हाँ सर सीखे, बस जो सीखे हो उसको इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करो सर, वो समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। अरे बच्चा, क्वेश्चन कहता है कि मान ले लकड़ी का एक तख्ता है बेटा ऐसा, है ना? इधर एक आदमी खड़ा है, इधर एक आदमी खड़ा है ना बेटा? अब अगर ये आदमी इधर कूद गया, ये इधर कूद गया है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? पहला सवाल। हाँ, और दूसरा पार्ट का था दोनों एक साथ नहीं अलग अलग, पहले कूद जाएगा ये उसके बाद ये कूदेगा, कोशिश करो, कोशिश करो। अगर सर पहले वो कूद जाएगा तो सर सर वो ब्लॉक उस साइड नहीं सर चला जाएगा? हाँ जाएगा बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम मानेंगे सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी, उससे इक्वेशन लिखने में आसानी होती है ना, सेम डायरेक्शन मानने में इक्वेशन लिखने में आसानी होती है ना बच्चा, देखो। हाँ सर। तो वैसे ही मानो, जो भी होगा अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आया था नेगेटिव ना पिछले सवाल में, चलो ट्राई करो, नहीं बने कोई बात नहीं, बस हर बार सीखना है बेटा, हर सवाल में कुछ सीखो, सीखते जाएंगे तो आगे बनेगा सवाल, अभी नहीं बन रहा आगे बनेगा, लेकिन अगर घबरा जाएंगे डर जाएंगे फिर तो गेम ही खत्म हो जाएगा, वही तो हो रहा है। घबरा डरना नहीं, बिल्कुल सीखते जाना है धीरे धीरे। देखो बेटा फालतू सवाल मुझसे नहीं करो प्लीज, फालतू सवाल नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात और कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर है लेकिन फिर भी पढ़ने के लायक है, बिल्कुल पढ़ने के लायक है, पढ़ो इसको। हाँ बच्चा ऋषभ सही, आगे बढ़ो। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, रुको नहीं, ट्राई करो। बढ़ते जाओ बेटा,
देखो बच्चा मैं करता हूं आंसर मैच करना। देखो बेटा सॉल्यूशन में सवाल हमारा कहा था बेटा कि सिस्टम हमारा पहले रेस्ट में था, तो सिस्टम कैसे है बेटा देखो, ये हमारा प्लैंक, ये हमारा इधर आदमी और ये इधर आदमी है ना बेटा, और सिस्टम ये पूरी तरह से रेस्ट में है ना। अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ठीक है। अब कहता है सवाल में कि दोनों आदमी कूद गया बेटा, सब लोग ध्यान सुनना बातों को, कि इस शब्द का प्रेडिक्शन कैसे करना है, इक्वेशन में कैसे यूज करना है सीखो बच्चा। तो देखो बेटा मान लिया मैंने कि इन दोनों के जंप करने के बाद इसकी वेलोसिटी हमारी हो गई वी, इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली वी है ना बच्चा। अब सोचो, अब कहता ये आदमी इस प्लैंक के आगे जंप किया, सब लोग सुनो ध्यान से बच्चा, ये आदमी इस प्लैंक से आगे कूद गया। आगे कूदने का मतलब क्या होता है बेटा, आगे कूदने का मतलब होता है ज्यादा वेलोसिटी है ना बेटा। तो ये आदमी इस प्लैंक से आगे निकल गया, तो उस प्लैंक से आगे निकल गया बेटा, इसका मतलब यहां इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो v प्लस v नॉट, बोलो बेटा v प्लस v नॉट। अब देखो ये आदमी पीछे कूदा भाई, ये आदमी पीछे कूदा इसका मतलब ये आदमी इस वाले प्लैंक से पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या था v नॉट, इसका मतलब बेटा ये पीछे रह गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है v नॉट कम, जो पीछे रह गया उसकी कम वेलोसिटी, जो आगे निकल गया उसकी ज्यादा वेलोसिटी ठीक है बच्चा। अब फिर से मोमेंटम कंजर्व करो, तो पहले मोमेंटम कितना जीरो, अभी कितना मोमेंटम बेटा, तो इसकी वेलोसिटी m इंटू वी माइनस वी नॉट, फिर प्लस इसका 4m इंटू वी प्लस इसके लिए m इंटू वी प्लस वी नॉट है ना बच्चा। तो देखो बच्चा ये हमारा एम बी नॉट और ये एम बी नॉट, सॉरी ये माइनस है ना, ये माइनस है बेटा, तो ये देखो एम बी नॉट और ये एम बी नॉट कैंसिल हो गया बच्चा, तो क्या बचेगा ये एक चार पांच और एक छे, ये हो गया बेटा 6MB, और यहां से आया माइनस एम बी नॉट, वहां से आया प्लस एम बी नॉट, ये कैंसिल बेटा, इसका मतलब वी हमारा जीरो, मतलब दोनों अगर आदमी एक साथ कूदेगा तो प्लैंक की वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है बच्चा। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट है ना बेटा ठीक है, वन बाय वन एक एक करके। तो देखो बच्चा सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा प्लैंक, ये आदमी और ये आदमी ठीक है बच्चा, एक एक करके जंप किया, तो पहले मान लो ये जंप कर गया तो अभी क्या बचा सिस्टम, अभी बचा ये आदमी और ये प्लैंक, लेकिन ये वाला आदमी कूद गया बेटा आगे, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अगर हमारी वी वन है बेटा, तो इसकी वेलोसिटी वी नॉट ज्यादा है, तो वी वन प्लस वी नॉट, बोल बेटा जो आगे कूद गया वो हमारा क्या ज्यादा वेलोसिटी है ना बेटा। अब देखो फिर से मोमेंटम कंजर्व, तो अब पहले कितना था मोमेंटम, तो कहेंगे टोटल मास 6m और सिस्टम था रेस्ट में इज इक्वल टू इन दोनों का मास कितना बेटा, तो कहेंगे इन दोनों का मिला हो गया 4m प्लस m, इसकी वेलोसिटी कितनी बेटा v1, और प्लस ये आदमी अलग हो गया, तो m ऑफ v1 प्लस v0, बोलो बच्चा होगा समझे बेटा ठीक है। तो देख बच्चा क्या होगा आंसर, v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ हो जाएगा बेटा v0 बाय 6 है ना, ये आंसर आ गया बेटा माइनस ऑफ v0 बाय 6 है ना। अब देखो दूसरे पार्ट में, अब दूसरा आदमी भी जंप किया बेटा, अब देखो कहानी क्या है, अब कहानी ये बेटा कि ये प्लैंक है ना बेटा, प्लैंक पे ये आदमी पीछे है और ये मूव कर रहा है कितने से बेटा v1 से, ये सिस्टम जा रहा है v1 से। अब यहां से दूसरा आदमी कूदा है ना बेटा, तो देखो दूसरा आदमी कूदेगा तो इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो v2, तो देख बच्चा जो दूसरा आदमी कूदा है वो पीछे रह गया ना, तो अगर ये पीछे रह गया तो इसकी वेलोसिटी क्या बोलेंगे कि v0 इसमें वेलोसिटी कम है, बोलो बेटा जो आगे निकल गया ठीक है उसका वेलोसिटी बेटा
ऐड करना है, जो पीछे रह गया वो माइनस करना है ना बच्चा। फिर से मोमेंटम कंजर्व, पहले कितना मोमेंटम, तो कहेंगे 5m की वेलोसिटी v1 और अब कितनी बेटा m मास की वेलोसिटी v2 माइनस v0 है ना बेटा, प्लस ये 4m की वेलोसिटी कितनी हो गई v2। ठीक है बच्चा, अब देखो v1 की वैल्यू यहां से पुट करो तो कितना हो गया बेटा माइनस 5 by 6 mb0 is equal to mb2 plus 4mb2, ये हो गया बेटा 5mb2 और माइनस ऑफ mb0। बोलो बच्चा, ठीक है। अब देखो इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5mb2 equal to mb0 by 6, इसका मतलब बेटा v2 equal to v0 by 30, ये पॉजिटिव आ गया बेटा, समझे, समझ में आया बेटा। हाँ बच्चा, उन दोनों के जंप करने की वजह से आ रहा है, क्योंकि कोई भी जंप करेगा बेटा तो जंप करने के लिए फोर्स चाहिए ना, है ना, तो आदमी फोर्स लगाएगा प्लैंक पे और प्लैंक लगाएगा फोर्स आदमी पे, दोनों एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। सर बी पार्ट नहीं आया, बी पार्ट क्या नहीं आया बच्चा, इतनी बार कौन लिखा है, इतनी बार मत लिया कर बेटा, बात बार बार एक ही बात को मत लिखा कर बच्चा। नोट करो नोट करो। बोलो हर्षवर्धन। गुड इवनिंग सर। बोलो बोलो सर, हमें ये तो नहीं बताया कि आगे कूदे या पीछे कूदे, मान लो अगर ये दोनों मैन आउटसाइड द बोर्ड कूदे और जो नीचे वाला ब्लॉक है वो इनसाइड द बोर्ड जाए फिर। बच्चा सवाल में लिखा ना ओल्ड डबल एफ, जंप ऑफ का मतलब होता है गाड़ी से बाहर कूदना। यस सर, है ना, तो दो आदमी अगर दो किनारे पे खड़े हैं तो गाड़ी से बाहर कूदने का मतलब क्या हुआ, ये इधर कूदेगा और ये इधर कूदेगा, कॉमन सेंस की बात है ना बच्चा ये, है ना। ओके सर। राहुल। हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये 6m into 0 कैसे हुआ, बी पार्ट में, ये वाला में, हाँ बोलो। हाँ सर, इसमें 6m into 0 कैसे हुआ। अरे बच्चा ये 4m इसका मास, m इसका मास और m इसका मास, पूरा मास कितना हो गया। ओके ओके, और सिस्टम रेस्ट में है। यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चा, बेटा स्क्रीन ब्लर नहीं है बेटा, स्क्रीन क्लियर है, मोबाइल में भी लॉगिन कर रखा हूँ, एकदम क्लियर दिख रहा है मोबाइल मेरे को। श्रेष्ठ को बी पार्ट का सेकंड वाला समझ नहीं आया, सोचो बेटा सोचो। सौरभ मिश्रा बोलो। सौरभ मिश्रा भाई सर, आगे पीछे वाला डाउट हो गया क्लियर सर। ओके बच्चा। अथर्व। आपने 6m into 0 किया लेकिन सेकंड वाले पार्ट में आपने रेस्ट वाले को v1 वेलोसिटी दे दिए। अरे बेटा इसकी कहानी शुरू यहाँ से हुई है ना, फिर एक सिस्टम बदल गया तो दूसरा आदमी जंप किया तो उसके लिए इनिशियल स्टेट तो यही ना है बेटा, यहाँ से ना कूदा होता वो, इस स्थिति से ना वो कूदा बेटा, बोलो तो इसका इनिशियल स्टेट तो यही ना मानोगे यहाँ पे। ब्लॉक मूव करते रहेगी तब, ब्लॉक मूव कर रही है तब बंदा वहां से कूद रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा बोलो सर, वो जो दूसरा वाला मैन कूद रहा है
सर उसकी वेलोसिटी तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी ना सर, आपने एक ही डायरेक्शन में क्या ऐसा क्यों सोचता है यार तुम लोग? यहाँ जो वेलोसिटी है बेटा वो रिलेटिव है ना, बोलो एक्चुअल तो नहीं है। Yes, तो इसकी वेलोसिटी मैंने कहीं ना देखो ऐसा होगा, अगर मान लो V2 छोटा हुआ और V0 बड़ा हुआ तो हो जाएगा नेगेटिव अपने आप, नहीं हो जाएगा बताओ? Yes, तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, बेटा रिलेटिव का मतलब क्या होता है? उसके रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में देखो पीछे ही है ना, ये आगे थोड़ी गया। Yes, बेटा ऐसे तुम पीछे पीछे वाले कॉन्सेप्ट को तुम भूलते जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा बेटा मेरे लिए पढ़ाना। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट रिवाइज करो बच्चा। विवान बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलो बच्चा। सर हमको ये पूछना था, अगर ऐसा सर कोई केस हो सकता है अगर साइड वाइज अगर ये जंप करे, साइड बाय साइड जंप करे तो? हाँ तो हो सकता है बेटा, आदमी अगर कोई आदमी ऐसे जंप करे, इन्हें बोल रहे जा रहे हो तो ऐसे जंप करेगा बेटा तो ऐसे एक्स लिए है ना हम लोग। यस सर। ऐसे कर देंगे वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व करेंगे फिर हम लोग। हाँ बेटा सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है सवाल वैसा। चलो आगे देखा जाए सवाल। अब देख बेटा मोमेंटम वाले क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, है ना। अब क्वेश्चन कैसा करेंगे देखिए हम लोग, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन ऐसा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम्स जो होगा बेटा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे इसमें, क्वेश्चन ही कराएंगे, है ना बच्चा। लेकिन क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना बेटा। मोमेंटम कंजर्व तो करना ही करना है ना बेटा, और प्लस एनर्जी के बारे में भी सोचना है, एनर्जी एनालिसिस, समझा बेटा। एनर्जी को भी हमें एनालाइज करना है, ठीक है बच्चा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए छोटी छोटी बातें, देख बेटा, तो देख बेटा जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, है ना बेटा, अगर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा बच्चा, है ना। तो देखो ये तो तुम जानते ही हो कि मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा, है ना बेटा। बोलो मोमेंटम अगर हमारा कंजर्व होगा, है ना बेटा, तो अगला कॉन्सेप्ट ये भी तुम जानते हो कि ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट था, है ना बेटा। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट क्या था, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो था बच्चा, बोलो ठीक है। लेकिन इसी में अगर मुझे एनर्जी के बारे में सोचना है बेटा, है ना, तो एनर्जी के बारे में अगर सोचना है मुझे तो कैसे, देखो बेटा तो बताए थे क्या तुमको, याद करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, बोलो ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमारा वी सी एम कॉन्स्टेंट है बेटा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट रहेगा ना बेटा, बोल। सोचो अगर हमारा बेटा वी सी एम कॉन्स्टेंट है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगा बेटा, कॉन्स्टेंट रहेगा ना बेटा, कभी नहीं बदलेगा, समझा ना। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, किसका, सिर्फ सिस्टम का, है ना बेटा, सेंटर ऑफ मास का, है ना बेटा। तो देखो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमारा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है ना बेटा। लेकिन ये भी हम समझते हैं बेटा कि इंटरनल फोर्सेस मे डू वर्क, बोल बेटा, इंटरनल फोर्स वर्क कर सकता है ना बेटा। अभी तुमने जितने क्वेश्चन किए उन सारे सवाल में क्या था, जो भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बदली उसका जिम्मेदार कौन था बेटा, इंटरनल फोर्स था ना। थोड़ा देर एक मिनट सोचो, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, है ना बेटा, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बदली है ना बच्चा, इसका मतलब कौन वर्क डन किया, सोचो सोचो। सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स है नहीं लेकिन मुझे काइनेटिक एनर्जी बदलता हुआ दिखा, इसका मतलब कौन बर्डन किया बेटा, अंकिता सही बोल रही हो तुम, इंटरनल फोर्स ना बच्चा, आयुष भी सही बोला, है ना बेटा, सिर्फ इंटरनल फोर्स वर्क किया बच्चा, है ना। अब सोचो इंटरनल फोर्स वर्क करेगा, है ना बेटा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा बेटा, बोलो। सोचो सिस्टम की अगर इंटरनल फोर्स वर्क करेगा
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हैज टू चेंज। अगर कहीं से बर्डन हुआ, किसी ने भी बर्डन किया, तो कोई भी वर्क करेगा बेटा, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बदलना पड़ेगा ना, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब ये वाला पार्ट चेंज करेगा, है ना बेटा। और ये भी हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, है ना बेटा। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस सिर्फ इसको अफेक्ट डालेगा बेटा, बोलो। इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिर्फ इस पे असर पड़ेगा, समझा बच्चा। तो कॉन्सेप्ट क्या बना हमारा इससे, कॉन्सेप्ट हमारा क्या बना बेटा, तो कहेंगे कॉन्सेप्ट हमारा ये बना कि इंटरनल फोर्सेस अफेक्ट किसको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, समझा बेटा। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के दो हिस्से, कौन कौन सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, है ना बेटा। इसको बदलने की ताकत किसमें है, तो एक्सटर्नल फोर्स में। इसको बदलने की क्षमता किसमें है, एक्सटर्नल फोर्सेस में, है ना बेटा। जबकि इंटरनल फोर्स इसको नहीं बदल सकता, इसको तो बदल सकता है बच्चा, ठीक है, बात समझा। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे बेटा मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, है ना बच्चा। सिर्फ इंटरनल फोर्स की वजह से अधिक काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हो सकती है, इतनी ना बेटा, इसे याद हो नहीं, है ना बेटा। इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता बच्चा, ठीक है, बात समझे बेटा, बात समझ गया ना। अब देख, फॉर ए टू बॉडी सिस्टम, है ना बेटा, दो बॉडी का सिस्टम हो, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू म्यू इंटू व्यू रिलेटिव का स्क्वायर, समझा बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला है हाफ म्यू इंटू भी रिलेटिव स्क्वायर, है ना। कैसे निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं, तो ये मैं तुम्हें करा चुका हूं, याद है, जब दो बॉडी वाला क्वेश्चन लेकर आया था ना, बोलो, जब मैंने तुम्हें ये वाले इक्वेशन को साबित करने के लिए कहा था, वेरीफाई करने के लिए कहा था बच्चा, है ना। जब इस वाले को वेरीफाई करने के लिए कहा था, तो तुमको मैंने 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम ऐसा मास दिया था ना बेटा, है ना। अगर मैं तुमको 2 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ना दे करके मास तुम्हें बोलता मैं M1 M2 और V1 V2, तो उसकी मैथमेटिक्स का यही रिजल्ट आता बच्चा, ठीक है। इस रिजल्ट में म्यू हमारा क्या है, म्यू को ही बोलते हैं क्या बेटा, रिड्यूस्ड मास। इसी म्यू का नाम क्या है, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। और इसी म्यू का फॉर्मूला है M1 M2 / M1 + M2, समझा बच्चा, ठीक है। ये क्या है, रिड्यूस्ड मास। इसका कोई म्यू क्या है, ऐसा कुछ मत सोचो, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है। अगर दो मास मान लो, एक का मास M1 एक का मास M2, है ना बेटा, एक का वेलोसिटी V1 एक का वेलोसिटी V2, है ना, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ मास की निकालो वेलोसिटी, फिर पहले बॉडी का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकालो, दूसरे बॉडी का वेलोसिटी फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकालो, है ना बेटा। फिर पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जब तुम सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा, तुम्हारा रिजल्ट आएगा ऐसा, हाफ M1 M2 / M1 + M2 (V1 - V2) का स्क्वायर, ऐसा आएगा बेटा रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट आएगा, है ना बेटा। तो इस रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, इस रिजल्ट को एक नाम दे दिया, इस रिजल्ट को बेटा एक नाम दे दिया, और इसे बोल दिया क्या, रिड्यूस्ड मास, और ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है बच्चा। मतलब हम लोग सिर्फ रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, है ना।
लेकिन ये सिर्फ दो मास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, कभी भी इसको तीन मास के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीन मास के लिए जो फॉर्मूला है बहुत कॉम्प्लिकेट है, वो यूजफुल नहीं होगा बच्चा, ठीक है। तीन मास के लिए फॉर्मूला यूजफुल नहीं होगा बच्चा, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट। नोट कर लो, लक्ष्य बोलो। हेलो, हाँ बोल बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशन के कारण नीचे आता है। हाँ बच्चा बिल्कुल सही बात। एक बलून में जब हम हीलियम गैस भरते हैं, हाँ, तो वो बलून ऊपर क्यों राइज करता है सर? बिल्कुल सही बात, तुम्हारे साथ बिल्कुल सही है। देखो बेटा, अगर मैं एक बॉडी को यहाँ से छोड़ दूं, है ना बेटा, देख रहे हो ना? यस सर। तो पक्का जाएगा नीचे? यस सर। है ना बेटा, लेकिन कभी भी अगर मुझे दिखा ऐसा कि एक बॉडी ऐसे ऊपर जा रहा है, तो बेटा हमें अर्थ पे, पृथ्वी पे भरोसा है ना? यस सर। अर्थ पे हमको पूरा भरोसा है कि अर्थ तो नीचे ही खींचेगा। यस सर। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर और कोई फोर्स लग रहा है। यस सर। है ना बच्चा, तभी तुमको दिख रहा है आगे, देखो मैंने हाथ से फोर्स लगाया और मैंने ऊपर खींचा, तो मेरा फोर्स mg से बड़ा है ना बेटा। यस सर। है ना, तो वैसे सोचो जब बैलून हम जाता है बेटा, तो उस बैलून पे दो फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल और दूसरा हवा की वजह से बायंसी फोर्स, है ना बेटा। अगर इस बात को महसूस करो, अगर उसमें हीलियम गैस नहीं भरो, अगर तुम फूंक करके हवा भर दो, है ना, तो क्या ऊपर जाता है बैलून? नो सर। इसका मतलब उसके ऊपर जाना या नीचे न जाना, है ना बेटा, ये बाहर की जिम्मेदारी नहीं है, उसके अंदर के मटेरियल से फर्क पड़ रहा है ना। यस सर। समझ में आ गई बात? तो सर हीलियम के पास ऐसा क्या प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो? अरे बेटा, हीलियम के पार्ट ऐसे नहीं सोचो बेटा, बाकी जो हवा है ना, yes, वो हवा के मुकाबले में इस हवा की डेंसिटी कम होती है, इसलिए ऊपर जाता है। अगर तुम हीलियम ना भर करके भर दोगे ना हाइड्रोजन गैस, तो भी चलेगा, हाइड्रोजन पे भी ऊपर जाएगा सर, एकदम जाएगा ऊपर, है ना बेटा, की हीलियम सस्ता मिलता है ना, हाइड्रोजन महंगा है बेटा। अच्छा, और थोड़ा हाइड्रोजन खतरनाक भी है, हाइड्रोजन खतरनाक भी है ना बच्चा, इसलिए हीलियम यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। लेकिन उसी को तुम अगर वैक्यूम में छोड़ देगा ना, वैक्यूम में, यस सर, तो वैक्यूम में छोड़ दोगे तो अपने नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा फिर बेटा वो, ठीक है। ओके सर, ओके बेटा, वेलकम। शिवम बोल बेटा। सर आपने जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, तुम जमीन पे चलते कैसे हो बताओ? तुम जमीन को धकेलते हो पीछे की तरफ, यस सर, है ना, और जमीन तुम्हें धकेलता है आगे की तरफ, यस सर, है ना। जैसे ऐसे खड़े खड़े तुम ऐसे जंप करते हो ना, तो ऐसे जंप करने के लिए क्या करते हो तुम? पहले अपने पैरों को मोड़ते हो ना बेटा, ऐसे पहले पैर को ऐसे मोड़ते हो तुमने, यस सर, बोलो, ऐसे मोड़ के एक झटके से अपने पैर को स्ट्रेट करते हो, यस सर। तो एक झटके से करते हो तो क्या होता है, झटके से तुमने धरती को धकेला नीचे की तरफ, तो धरती तुमको धकेलेगी बेटा ऊपर की तरफ, यस सर। समझ में आया बेटा? जी सर। हाँ, तो वैसे जो अगर प्लैंक से आदमी कूदेगा ना, तो आदमी प्लैंक को धक्का दिया पीछे की तरफ और प्लैंक आदमी को धक्का दिया आगे की तरफ, है ना, yes, तो प्लैंक ने जो आदमी को फोर्स मिला उसके वजह से आदमी कूद गया, और आदमी के वजह से जो प्लैंक को फोर्स मिला उस वजह से प्लैंक पीछे भागा। सर, जब दूसरे ने लगाया तो उसे वो बराबर नहीं हो जाना चाहिए? हाँ, एकदम बराबर होगा बेटा, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है ना बेटा। सर वही पूछ रहे थे कि मास के कारण ही हुआ ना? जी सर, समझ। हाँ, मास के कारण ही दोनों की वेलोसिटी अलग अलग आई। जी सर, ठीक है, चलो अब डिस्कस करें बेटा, अब होमवर्क करें डिस्कस। अंकेश बोलो। हेलो। हाँ बोलो सर। आपने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा जब
इंटरनल फोर्स लगेगा और वो भय बढ़ेगा उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो कैसे समझेंगे बेटा. मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के दो हिस्से हैं है ना. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है ना बेटा. तो बोलते बेटा इस वाले का फॉर्मूला क्या होगा. तो कहेंगे इसका फॉर्मूला होगा हाफ एम बी सी एम स्क्वायर. बोलो बोलो हाफ एम बी सी एम स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसकी वजह से वैरी करता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कि इंटरनल फोर्स की वजह से. एक्सटर्नल फोर्स. इसका मतलब इसको बदलने का जिम्मेदार कौन लेगा. एक्सटर्नल फोर्स ना बच्चा. इसका मतलब इसको बदलने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है. इंटरनल फोर्स. समझ में आ गई बात. तो सेंटर ऑफ मास को इंटरनल फोर्स नहीं चेंज कर पाएगा. हाँ सेंटर ऑफ मास को इंटरनल फोर्स चेंज नहीं कर सकता ना. तो सर बताया तो बेटा इतनी सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, पांच छह क्लास पढ़ते हुए आए हैं और तुम्हारे पूछोगे क्यों तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बेटा. पिछले क्लास को रिवाइज कर. आकाश फिर से बोलो बेटा. क्लियर हो गया. अच्छा अच्छा होमवर्क क्या था कोई बताओ. शिवम. हाँ सर. कुछ पूछना है बेटा. हाँ सर पूछो. सर ये कह रहे हैं सर मैंने इसके सवाल लगाए थे सर सेंटर ऑफ मास के सीट के सर. हाँ बच्चा. सर उससे भी सर ज्यादा नहीं बन रहा है. ज्यादा नहीं बन रहा है कि बिल्कुल नहीं बन रहा है. नहीं सर बिल्कुल. तो इन द सेंस मतलब सवाल शुरुआत का तो सर आ जाता है एक दो पर लेकिन सर लास्ट में जाते जाते सर वो बनता ही नहीं है. फिर सर या फिर अगर बीच में आ सर अगर या फिर बीच में जाते हैं तो सर वहीं पर रुक जाते फिर उसके आगे सर समझ में नहीं आता क्या करें सर. देख बेटा एक अपने ऊपर भरोसा रखो, दूसरा अपने सब्जेक्ट पे भरोसा रखो है ना. तुम्हें बात पहली बात सोचो फिजिक्स इसको सॉल्व कर सकता है ये पक्की बात है. हाँ सर. और मैंने फिजिक्स पढ़ी है तो मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ. पहला चीज अपने भरोसा रखना है बच्चा है ना. और मेहनत करना है एकदम. ये ना सोचे हम कि मैं पहली बार ट्राई करेंगे तो बन ही जाएगा है ना. जैसे मान लो तुम्हें लगता होगा जो मजदूर काम करते हैं ना बेटा, मजदूरों का काम तो बहुत आसान लगता होगा तुमको कि यहाँ से ईटा उठाया वहां ले गया, सीमेंट बालू मिक्स किया ईटा जोड़ दिया है ना. इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको मेहनताना बहुत कम देते हैं ना हम लोग. हमें लगता है काम तो बहुत आसान है लेकिन तुम्हें बोल दिया जाए कि आज तुम्हें काम कर लो है ना तो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर मजदूर किया होगा. बोलो करेगा नहीं करेगा. बिल्कुल सही कह रहे सर. अंतर किस बात का है. मेहनत का. प्रैक्टिस. प्रैक्टिस है ना बच्चा. प्रैक्टिस उसको काम करने की प्रैक्टिस है, तुमको प्रैक्टिस नहीं है. सर पहले वो सर एक बार बने तो सर कॉन्फिडेंस भी आए. सर वो बनता ही नहीं है तो आगे करने का. ये तो बात पहली बात मानो तुम. पहली बार हम काम करेंगे तो अच्छा नहीं होगा. पहली बार काम करेंगे तो अच्छा नहीं ही होगा हमसे लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे बच्चा है ना. अगर मुझसे कोई बोल दे कि आज तू ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दे तो मेरे को आज 18 साल पढ़ाते हुए हो गया फिजिक्स और मुझे बोले ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दो तो क्या होगा. आज हम पढ़ेंगे पहला, जितना कल मुझे पढ़ाना होगा उतना आज पढ़ लूंगा मैं है ना. लेकिन जब मैं क्लास में जाऊंगा तो चला पता मैंने पढ़ाई की एक घंटे का और वो आधे घंटे में ही खत्म हो गया होगा ना ऐसा. और क्या होगा बहुत सारी बातें भूल जाऊंगा मैं. ठीक है मुझसे कोई पूछेगा बताओ वहां पे ऐसा कैसा होता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा. सही कह रहे. जबकि टीचिंग का मेरे को एक्सपीरियंस 18 साल का है फिर मैं नहीं कर सकता वो काम क्योंकि वो एक अलग काम है, मेरे लिए नया काम है ना. और तुम्हारे लिए भी फिजिक्स जो अभी आई है बेटा 10th के बाद जो 11th की फिजिक्स आई है ये मेजर चेंज है बच्चा है ना. इस मेजर चेंज का सामना करो, हिम्मत से लड़ो इससे है ना. तकलीफ होगी इसमें तकलीफ होगी लेकिन जो ये तकलीफ को झेलेगा बेटा वही चमकेगा वही आगे जाएगा. लेकिन जो तकलीफ से आगे मार जाएगा वो डूब जाएगा. यानी सर कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे. एकदम मेहनत करते रहो, एकदम फ्रस्ट्रेशन आएगा बेटा. क्वेश्चन नहीं बनते, गुस्सा आता होगा, कॉपी पटक के फेंक देने का मन करता होगा, लगता होगा यार इतने इतना प्यार किए तुमसे और तुम बेवफा हो गए मेरे लिए. इतने सालों से तुम्हारे मेहनत कर रहे हैं महीनों से और तुम मुझे भाव ही दे रही हो. आता होगा मन में ख्याल है ना. लेकिन से दुखी नहीं होना है बेटा
है ना, बस तू अपना एक तरफा प्यार बनाए रखो, कभी ना कभी इसका मन पिघलेगा तुम्हारे लिए और तुम जीतोगे। लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन दिए रहते हैं ना सर, वो देखते हैं तो सर उसमें भी नहीं आता इतना ढंग से समझ में। अरे बच्चा सॉल्यूशन देखना है हार करके एकदम। लेकिन तुम अपने आप को हारना चाहते हो क्या? नहीं सर, जितना चाहते हो ना। हाँ सर। हाँ तो सॉल्यूशन मत देखो, जब मैं डिस्कस कर दूं, मान लो डिस्कस करने के बाद भी तुम्हें कुछ भूल गया, याद नहीं आ रहा, तो उसको देख लो। सॉल्यूशन देखने का मतलब है तुम क्वेश्चन से हार गए बस, ठीक है। चलो पढ़ाई करते हैं बेटा, मेहनत करो, जम के मेहनत करो, है ना। फिजिक्स क्या यार, आदमी पहाड़ तोड़ लेता है, है ना, अभी पहाड़ तोड़ लेता है, फिजिक्स क्या है, आराम तोड़ सकते हैं हम लोग। चलो होमवर्क किया बेटा, डिस्कस हम लोग एक्सरसाइज टू पार्ट टू निकाले पहले। एक्सरसाइज टू पार्ट टू में कुछ किए थे बेटा डिस्कस हम लोग, कहां तक कर चुके थे? अच्छा कुछ नहीं किया था, स्टार्ट करना है। तो कुशल पूछ रहा है पहला नंबर सवाल, देखो जा बेटा, सर्कुलर मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज टू पार्ट टू है ना बेटा, का पहला सवाल देख बच्चा, कहता है ए सॉलिड बॉडी रोटेट्स विथ डिसेलरेशन अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस विथ एंगुलर डिसेलरेशन। एंगुलर डिसेलरेशन क्या है बेटा? डिसेलरेशन है तो क्या है, ये नेगेटिव है। तो कहता है बेटा प्रोपोर्शनल रूट ओमेगा, ये प्रोपोर्शनल था बेटा, तो यहां से लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, है ना बच्चा। अब कहता है इनिशियल मोमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट था बेटा, ठीक है, टी बराबर जीरो पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट था, ठीक है बच्चा। तो कहता है मीन एंगुलर वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर होल टाइम ऑफ मोशन, ये क्वेश्चन तो कराया था बेटा मैंने क्लास में, है ना। तो देखो बेटा वो क्या लिखो, पहले डी ओमेगा बाई डी टी लिखो, माइनस के रूट ओमेगा आएगा, फिर लिखो इसी को ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा, ठीक है बच्चा। अब कर दो ना इसको डी ओमेगा बाई रूट ओमेगा इंट्रीगेशन, माइनस के डी टी इंट्रीगेशन, जीरो से टाइम टी और ये ओमेगा नॉट से जीरो। अब यहाँ टी निकाल लो, ठीक है बच्चा, यहां से रूट ओमेगा कैंसिल होगा बेटा, रूट ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू माइनस के डी हीटा इंट्रीगेशन, ये बेटा ओमेगा नॉट से जीरो और ये जीरो से हीटा, यहाँ निकाल लो थीटा, ठीक है बच्चा। फिर ओमेगा एवरेज बराबर थीटा बाई टी, ठीक है। अब चलो आगे पूछो, एक से पांच तक में और कोई डाउट? नंबर दो देखो, नंबर दो कहता है बेटा कि ए पार्टिकल मूव्स क्लॉकवाइज इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर, है ना बेटा, सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। फिर कहता है एट एक्स कॉमा वाई 1,0 इसका सेंटर है बेटा, इसका जो सेंटर है इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट है 1,0। अब कहता है इट स्टार्ट्स एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो, है ना बच्चा। Its speed increases at a constant rate of pi by 2 meter per second square. इसका मतलब ये हो गया बेटा tangential acceleration, pi by 2 meter per second square. If the net acceleration at the time 2 second is, 2 second के बाद net acceleration क्या होगा? यही पूछा है बेटा। तो देखो starting from rest ना बेटा, rest से start किया ना, तो देख बेटा tangential acceleration ये होता है बेटा dv अपॉन dt, है ना बेटा, इसको इधर ले जाओ तो dv बराबर pi by 2 dt, 0 से 2 और ये 0 से v, तो निकल गया हमारा v आ गया बेटा pi मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। जब v निकल गया तो अब निकाल लेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाई r, ये होगा बेटा pi स्क्वायर, है ना। ये हमारा है बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कितना है पाई बाई टू, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर थ्री, नंबर थ्री देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है क्या, देखो कि
टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव एंटी क्लॉकवाइज विद द सेम स्पीड वी इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर. ठीक है बच्चा, कहता है ये हमारा एक सर्किल मान लो बच्चा, ठीक है. इस सर्किल पे दो पॉइंट मान लो, एक ए और एक बी. ठीक है बच्चा, इसमें दोनों मूव कर रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर. ठीक है, इसकी स्पीड ऐसे बेटा वी, इसकी स्पीड ऐसे वी, है ना बेटा. एट टी इक्वल टू जीरो ए इज इंपार्टेड ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड. इसमें आ गया बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, इन टाइम विच ए कोलाइड्स विथ बी, कहता है बेटा कितने समय के बाद ये दोनों कोलाइड कर जाएगा. ठीक है, और फिर पूछा है उतने देर में एंगल ए कितना घूमेगा, है ना बेटा, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और उसका रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा. ये चार चीजें पूछा है बच्चा. पहले बार कितने समय में कोलाइड करेगा, तो देख बच्चा जब भी ये कोलाइड करेगा तो क्या कहोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी. बोल बेटा जितना दूरी, अगर अगर ये चला गया मान लो यहां पहुंच गया और यहां पे आके टकराया बेटा, तो ये कितनी दूरी तय किया, देखो इतनी दूरी तय किया ना बेटा, है ना. जबकि बी कितनी तय किया, बी सिर्फ इतनी किया. इसका मतलब ए की दूरी क्या होना चाहिए, बी की दूरी प्लस ये दूरी बेटा, बोलो प्लस ये दूरी ना बेटा, बोलो ये कितनी दूरी है, पाई आर. बोल बच्चा ये दूरी क्या द्रव्य है, बी के लिए, और ये दूरी क्या है बेटा, ए के लिए. तो कहेंगे ना ए की दूरी है बेटा वो बी वाले से इतनी ज्यादा है, है ना बच्चा. अब ए की दूरी कितनी लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यू हो गया वी इंटू टी प्लस हाफ ए टेंजेंशियल इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी की दूरी. इसमें एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, तो क्या हो जाएगा, ओनली वी टी प्लस पाई आर. ठीक है बच्चा, अभी क्या हो गया, देखो वी टी कट गया तो हो गया हाफ इंटू ए टेंजेंशियल, कितना दिया हुआ था देखो. हाँ बेटा एडिटिव यूज कर सकते हैं, ये दिया था बेटा 72 वी स्क्वायर बाई 25 पाई आर. ये था बेटा 72 वी स्क्वायर बाई 25 पाई आर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी हो गया बेटा पाई आर, 2 से कट गया, ये हो गया 36 टाइम्स. तो t कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई आर बाई 6 वी, है ना बेटा. इसका मतलब हमारा n1 कितना आ गया बोलो, इसका मतलब बेटा n1 इक्वल टू हो गया 6, n1 हो गया हमारा 6. अब निकालने बोला है क्या, देखो बेटा एंगल, अब पूछा है बेटा एंगल कितना, एंगल घूमेगा a, है ना बेटा. तो देखो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई a बराबर थीटा ऑफ a इंटू r. बोलो बेटा s बराबर r थीटा होता है ना बच्चा, इसका मतलब थीटा ऑफ a कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बाई आर, है ना बच्चा. ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 1 बाई आर ऑफ एस ए कितना, तो कहेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना बेटा. ये कितना हो जाएगा, या सुनो सबसे आसान तरीका ये है, रुको रुको देखो बेटा, यहां से ये एंगल क्या कहेंगे, थीटा ऑफ ए बराबर ये क्या है बेटा, थीटा ऑफ बी और प्लस पाई, है ना बेटा. थीटा ऑफ बी कितना बोलेगा, थीटा ऑफ बी हो जाएगा बेटा वी टी बाई आर प्लस पाई, है ना बेटा, वी टी बाई आर प्लस पाई. ठीक है बच्चा. अच्छा वी टी स्क्रीन से बाहर निकल गया, एक मिनट रुको. ठीक है बच्चा, बहुत ज्यादा बाहर हो गया. ठीक है बेटा, मोशन कैसा है बताओ, मोशन भी टेंजेंशियल, इसलिए एक्सीलरेशन भी टेंजेंशियल लिया बच्चा. ठीक है, तब देखो
एक में बेटा वी कितना दिया हुआ था? हाँ चलो ठीक है, देखो बच्चा तो कितना हो जाएगा वी टी, वी इंटू टी कितना आया? तो ये बेटा 5 पाई r/6 + पाई है ना बेटा, तो देखो बाई आर भी था तो ये हो गया 5 पाई/6 + पाई, ये हो गया बेटा 11 पाई/6, इसका मतलब n2 कितना हो गया, n2 हो गया बेटा, ये भी 6 हो गया। अब कहता है बेटा बाद में इसका एंगल टेस्ट भाई हो गया एंगुलर वेलोसिटी, तो देख बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी है ना बेटा, ठीक है, या फिर ऐसे कर ले फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इनटू टाइम, बी बराबर यू प्लस एटी है ना बच्चा, बी बराबर यू प्लस एटी। एक मिनट रुको बेटा, इंक खत्म हो गया। चलो देखो देखो बच्चा v बराबर u प्लस at, तो v हमारा कितना है बेटा, वो तो u हमारा v था बेटा, u तो v था ना, प्लस a इंटू टी, ए कितना था, ए था बेटा 72v² / 25πr इंटू टी, टी कितना बेटा तो 5πr/6, ये कैंसिल हुआ 5 times, ये कैंसिल हुआ 12 times, तो कितना हो गया बेटा v प्लस, देखो बेटा 6v था, v भी कट जाएगा, तो हो गया v प्लस 12/5b इक्वल टू 17/5b है ना बेटा, ठीक है। तो हमारा हो गया कितना, ये n3 हो गया 5 n3 ओमेगा, ओमेगा फाइनल कितना बेटा, तो कहेंगे v फाइनल बाय r, ये हो जाएगा बेटा 17v/5r, इसका मतलब n3 हो गया बेटा 5। अब कहता है रेडियल एक्सीलरेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन, रेडियल एक्सीलरेशन, तो रेडियल एक्सीलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, कितना लिखेगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर इंटू r, इसका स्क्वायर कर बच्चा, तो ये होगा 289v² / 25r² * r, कट गया तो ये हुआ 289v² / 25r, ठीक है बच्चा, इसका मतलब n4 क्या हो गया, n4 हमारा हो गया बेटा 5 है ना, तब पूछा है निकालने के लिए n1 + n2 + n3 + n4, ठीक है n4 5 हो गया। आगे चलो, आगे पूछो 7, 8 and 10, सलीम को पूछना है नंबर 4 n4 5, ठीक है n5 में पूछना है, 5 नंबर, देखो 5 नंबर में देखो बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा एक कार गोज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ रेडियस r√27, देख बेटा रेडियस दिया है r बराबर √27 meter है ना बेटा, द स्पीड इंक्रीजिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ है ना बच्चा, स्पीड बढ़ रहा है dv/dt, इसका मतलब ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है बेटा 1 m/s², ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, द फ्रिक्शन कोफिशियंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तुमको ये बेटा 0.2, कहता फाइंड द टाइम एट विच द कार विल स्किड, कार कब स्किड कर जाएगा है ना, कितने समय के बाद कार स्किड कर जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो बच्चा, देख बेटा ये हमारा u है और ये हमारा म्यू है ना बेटा, अब देखो अगर t सेकेंड के बाद की बात करो तो v बराबर u प्लस ए टी, ये हो गया बेटा 0 + a, a कितना बेटा 1, तो 1 इंटू टी, ये हो गया बेटा टी,
तो सेंट्रीपिटल कितना हो गया बोलो, बी स्क्वायर बाई आर, है ना बेटा, तो टी स्क्वायर बाई इतना, तो ये हो गया बेटा टी स्क्वायर बाई 27, है ना बेटा। अब सोचो ये सेंट्रीपिटल बेटा और ये टेंजेंशियल, है ना, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर, है ना बच्चा, ए टेंजेंशियल का स्क्वायर ये तो 1 प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, ये हो गया टी का पावर 4 बाई 27, है ना बेटा। अब सोचो ये जो हमारा है बेटा वो एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन ये कौन देगा, तो ये फ्रिक्शन देगा ना बेटा, इसका जिम्मेदार कौन, तो इसका जिम्मेदार फ्रिक्शन, तो क्या कहेंगे बेटा, फ्रिक्शन स्टैटिक इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना बेटा। तो अगर हम कहेंगे टू स्किड, जब वो फिसलने वाला होगा बेटा, है ना, जब वो फिसलने वाला होगा बेटा उस समय क्या कहेंगे बताओ, जब वो फिसलने वाला होगा बेटा उस समय ये फ्रिक्शन हो जाएगा बेटा क्या, लिमिटिंग बराबर m इंटू ए, लिमिटिंग कितना बेटा म्यू एम जी बराबर m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी पावर 4 बाई 27, एम कट गया, अब यहां से t निकाल लो, ठीक है बच्चा, 27 स्क्वायर नहीं बेटा रूट 27 ना, आर रूट ये था, देखो ये था आर हमारा ये था बच्चा, है ना। अब देखो 6 क्वेश्चन नंबर 6 में देख बेटा, कहता है स्मॉल बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, एक स्मॉल बॉडी मान लो, इस बॉडी का मास है बेटा 0.5 किलोग्राम, इज अलाउड टू स्लाइड ऑन ए इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम रेस्ट पोजीशन एज शो इन द फिगर, ठीक है बच्चा, देखो ऐसे ये ट्रैक था बच्चा, यहां से छोड़ा है ना, और ये हाइट हमारी कितनी, ये हाइट हमारी है बेटा h और ये है बेटा r, है ना। इफ h इज डबल ऑफ द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लूप सक्सेसफुली कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक एट द पोजीशन h इन द न्यूटन, कहता बेटा इस वाले पॉइंट पे h पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, है ना बेटा। तो चलो पहले हम निकाल लेते हैं एच मिनिमम, है ना बेटा। तो बताओ इस वाले पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि सर्किल पूरा कर ले, बोल दो बच्चा, मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट सर्किल क्या होती है, जल्दी बताओ, रूट 5gr, बिल्कुल सही, है ना बेटा। तो यहां से यहां की बात करो तो कहोगे टू कंप्लीट सर्किल, टू कंप्लीट सर्किल, है ना बेटा। बी हमारा कितना, तो वी होना चाहिए बेटा रूट 5gr। अब यहां से यहां बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। तो यहां से लेके यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्कडन mgh और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा mgh बराबर हाफ हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, पुट करो बेटा ये हो जाएगा 5gr, m कैंसिल g कैंसिल, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ h की वैल्यू कितनी हो गई 5r बाई 2, लेकिन h एक कौन सी आई बेटा, मिनिमम आया ना, ये हमारा मिनिमम आया ना बेटा, लेकिन सवाल ये पूछता है बेटा कि मिनिमम नहीं, मिनिमम नहीं, मिनिमम का दुगना का सवाल में कहता है क्या, इफ h इक्वल टू 2hm, 2hm मतलब कितना हो गया बेटा 5r, अगर मिनिमम का ये दुगना हो जाए, है ना बच्चा। तो अब देखो पूछता है सवाल क्या कि अब बोलो यहां से जब यहां पहुंचेगा तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, है ना बेटा। तो अब चलो ये मान लेते हैं P और ये मान लेते हैं Q, अब चलो P से Q की बात करनी है, तो P से Q पे आओ, P to H क्या लिखेंगे बेटा, फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर से लिख दो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा? तो यहां से लेके यहां तक में ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना वर्कडन mg ऑफ ये बेटा h और ये 2r, तो p से h का हाइट कितना हुआ h माइनस 2r, है ना बेटा? दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा बेटा हाफ mb स्क्वायर, है ना? अब इसको यहां पुट कर ले तो m कट गया, तो हो जाएगा बेटा v स्क्वायर इक्वल टू 6gr, देख ले बेटा 5 माइनस 2 हो गया 3 और यहाँ 2, तो b स्क्वायर हो गया बेटा 6gr, ठीक है? अब यहां पे h वाले पॉइंट है बेटा fbt बनाओ, h वाले पॉइंट पे fbt बनाओ एट h, ये बेटा बॉडी, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा mg, है ना बेटा? और ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mb स्क्वायर बाय r, है ना बेटा? तो क्या लिख देंगे n प्लस mg इक्वल टू mb स्क्वायर बाय r, है ना बेटा? b स्क्वायर यहां से पुट करो तो ये हो जाएगा बेटा 6mg, तो n कितना आ गया बेटा, n हो गया बेटा 5mg, ठीक है? नॉर्मल हो जाएगा बेटा 5mg, समझ गए? आगे चलो, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो बच्चा। नंबर 7 कहता है बेटा ए नेल इज लोकेटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द पेंडुलम बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस ऑफ नेल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्स बाई 10 सच दैट बॉब जस्ट कंप्लीट जस्ट परफॉर्म रिवोल्यूशन अबाउट नेल एट सेंटर। देख बच्चा ये हमारा हो गया नेल, है ना बेटा, सॉरी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और यहां मान ले बेटा ये इसका है नेल, ये डिस्टेंस एक्स मान लिया, ठीक है? या चलो इसको इसको बेटा एच मान लिया, ठीक है? अब कहता है रस्सी को ऐसे रखो कि एंगल हमारा हो जाए बेटा 60 डिग्री, ये एंगल हो जाए 60 डिग्री, है ना बेटा? अब सोचो रस्सी की लंबाई एल है, जब यहां से छोड़ोगे तो ऐसे आएगा बेटा नीचे, है ना? तो रस्सी यहां पे कैसे हो जाएगी, ऐसे ना हो जाएगी बेटा, बोलो, है ना? अब देखो रस्सी जो है बेटा इस कील में फंस जाएगी, है ना बेटा? अब जब एक कील में फंस जाएगी तो क्या होगा, इसके बाद ऐसे घूम करके ऐसे घूम जाएगा, बोलो, ऐसे घूम जाएगा ना? और कहता है सवाल है बेटा कि सर्किल पूरा करना चाहिए, तो सर्किल पूरा करना है तो यहाँ कितनी स्पीड होगी बेटा, रूट 5gr, है ना बेटा? ये दूरी हो गई r, ठीक है? अब यहां से यहां लगा दे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना? तो देखो बच्चा अगर ये एल है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल कॉस 60, तो यहां से यहां लिखो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, तो देखो ये एल बाई 2, तो ये भी हो गया बेटा एल बाई 2, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन एम जी एल बाई 2 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर 5gr, r कितना बेटा, तो कहेंगे l माइनस h, ये हो जाएगा बेटा l माइनस h होगा ना, रे ये r कितना, तो पूरा l माइनस h, पुट करो h निकल जाएगा बच्चा, ठीक है? आगे चलो, आगे चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है राज आर्यन को। ओह तुमने सारा सवाल पूछ लिया, अरे थका दिया मुझे। दो क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है बेटा ए स्मूथ सेमी सर्कुलर वायर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इज फिक्स्ड इन ए वर्टिकल प्लेन एज शो इन द फिगर। देख बच्चा एक सेमी सर्कुलर वायर ट्रैक, ठीक है, ये रेडियस आर, है ना बेटा,
small ring mass m which can slide on the track is attached to the other end of the string. ठीक है बच्चा, ring is held at the point P such that 60 degree vertical से है बेटा. Consider the instant when the ring is released. Tangential acceleration of ring कितना होगा, है ना बेटा? तो देखो, ये ring है बेटा, है ना? और ये हमारा spring. और देख बच्चा, ये angle हमारा है 60 degree, है ना बेटा? तो ये देखो, ये हमारा R बेटा, ये भी R, ये भी R, है ना बेटा? क्वेश्चन में लिखा है, इसका natural length, नेचुरल लेंथ है बेटा 3R/4. इसका मतलब एक्सटेंशन कितना हो गया, एक्सटेंशन हो जाएगा R माइनस L इक्वल टू R/4. इसका मतलब बेटा स्प्रिंग का फोर्स कितना, तो KX, और K का वैल्यू पुट करो, K का वैल्यू पुट करो, ये है बेटा K का वैल्यू क्या दिया, Mg/R, है ना बेटा? तो हो जाएगा Mg/4, ये पुट करो. ठीक है बेटा, अब इसका FBT बनाओ, अब इसका बेटा FBT बनाओ. तो इसका FBT में क्या लिखोगे, इसका FBT में बेटा ये हो जाएगा MG, है ना बेटा? ऐसे हो जाएगा नॉर्मल, और ऐसे हो जाएगा बेटा स्प्रिंग फोर्स KX. बोलो ठीक है. अब क्या करो बेटा, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन निकालना है, है ना बेटा? ये KX, ये 60 ये भी होगा ना बच्चा, तो KX cos 30 प्लस MG cos 30 बराबर मास इनटू एक्सिलरेशन. ठीक है बच्चा, तो चलो आज के लिए बेटा इतना ही. जो होमवर्क था पहले वही होमवर्क कंटिन्यूड, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सर्कुलर मोशन. चलो अभी के लिए बाय. अरे उसका नहीं है कुछ भी, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास नहीं दे रहे बेटा, पर सर्कुलर मोशन पूरा तो हो. सोच रहे हैं सर, संडे को क्लास लगा के एक्स्ट्रा तुम लोग का पूरा कर दो सर्कुलर मोशन. तो सर इसमें आप बता दो अभी सर कौन कौन से सेक्शन कर सकते हैं, ए बी सी भी कर सकते हो. अच्छा सर, और डी में क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन है डी में. हाँ डी भी कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन तक हो गया हम लोग का, है ना? पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के. हाँ दोनों के. चल बच्चा बाय. ओके.